एके मिश्रा, एके मिश्रा वैसे राजनीतिक गलियारों में आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्राह्मण जी आजकल जो है वो राजनीतिक भविष्यवाणियां जिस अंदाज में कर रहे हैं उससे कई बार कांग्रेस भी नाराज हो जाती है, तो कई बार बीजेपी भी और कई बार समाजवादी पार्टी भी। मैं कह रहा हूं कि गन्ने पे चर्चा करो ना, ये जिन्ना जिन्ना क्यों याद आ रहा है सबको? मैं आपको बताता हूं चावला जी, यहां पे बड़ी पुरानी परंपरा रही है, राम को याद किया जाता है तो रावण को भी नहीं भुलाया जाता है, कृष्ण को याद किया जाता है तो कंस को भी नहीं भुलाया जाता है। जिन्ना को इसलिए याद किया जाता है, दो पक्ष है, कुछ लोग इसलिए याद करते हैं कि उनकी रोजी रोटी राजनीति वगैरह जिन्ना से चलती है, राक्षी प्रवृत्ति के लोग। एक एग्जाम्पल देखिए, आज ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लड़के की पीएचडी की डिग्री कैंसिल कर दी, जिन्ना की फोटो हटाने के लिए एक संघीय ढांचे के अंतर्गत बनी हुई यूनिवर्सिटी संविधान के सारे नियम और कानूनों की धज्जिया उड़ाते हुए बोला हम जिन्ना की फोटो नहीं उठाएंगे जी, जिन्ना की फोटो अगर आप हटा देंगे तो अलीगढ़ भारत से अलग हो जाएगा जैसे पाकिस्तान अलग हुआ था। तो सवाल यह है, हमें जिन्ना को नहीं भूलना चाहिए, हमें हर दिन जो है लगभग हर इंपॉर्टेंट मौके पे अपनी गलतियों को अपनी पीढ़ियों को याद कराते रहना चाहिए कि ये एक ऐसा गद्दार था जिसने हमारे पीठ में खंजर भोंका था। वो और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कौन मिला था कौन नहीं था। दुख की बात आज ये है कि आज भी वो एक कहावत है, शेर है ना, हर साथ पे उल्लू बैठा है। आज भी यहाँ न जाने ऐसे कितने इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक पार्टियां हैं जहां पे छुपे या किसी भी तरीके से अपना आइडियल वो जिन्ना को मानते हैं और वो जिन्ना के काम को दोहराना चाहते हैं। पब्लिक को अवेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, हर प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशन इंटेलेक्चुअल की जरूरी है। नहीं, नहीं, जो लोग जिन्ना को महिमा मंडित करे मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको जो है नकार देना चाहिए, उनको सबक मुझे जिन्ना में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए राष्ट्रवाद वालों को जिन्ना में बहुत दिलचस्पी है, मजबूरी है, एक सेकंड एक मिनट ताकि दूसरा जिन्ना ना पैदा। सरित मलिक जी, ये जिन्ना के बिना क्या चुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता? जब भी होगा या जिन्ना हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान, क्या इसी पर चुनाव होगा? गन्ने पर कहां चुनाव की बात हो रही है? किसानी पर कहां चुनाव की बात हो रही है? ओके, एके मिश्रा जी, ये जिन्ना पर क्यों बात हो रही है? मैं कह रहा हूं कि गन्ने पर चर्चा करिए, गन्ने पर बहस करिए, किसान पर बहस होनी चाहिए। ये कह रहे नहीं जिन्ना 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 किसके लिए जरूरी नहीं है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। यहां तो सबके लिए जरूरी है और मजबूरी भी है। चावला जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जो विकास है ना वो करने वाली चीज है, जो कि मेरे ख्याल से शायद हो रहा है ग्राउंड पे, सड़कें बन रही हैं, ये है बात करने वाली, जागरूकता लाने वाली जो चीज है वो जिन्ना है। तो वो जिन्ना के ऊपर अपने अपने तरफ से जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिन्ना को भगवान मानते हैं, जिनसे जिन्ना की रोजी रोटी चलती है वो उस हिसाब से कर रहे हैं, जो जिन्ना को देशद्रोही मानते हैं वो उस हिसाब से जिक्र कर रहे हैं। मैं तो आपको बोलता हूँ पिछले 10,000 साल का इतिहास उठा लीजिए, ये देश न कभी भद्र पुरुषों को ऋषि मुनियों को भूलता है, न देश प्रेमियों को भूलता है, और देश के गद्दारों को भी नहीं भूलता है। जिन्ना तो अभी 50, 60, 70, 100 साल पहले की बात है, उसकी औकात ही क्या है। मैं हजारों साल पहले की बात, क्या आप महाराणा प्रताप को भूल गए? क्या आप मोहम्मद गोरी को भूल गए निगेटिव वे में? क्या आप और भी जितने हमारे हीरोज हैं हमारे महापुरुष हैं उनकी चर्चा बंद कर दे? रही बात जो ये जाति उत की बात कर रहे हैं, अब पता नहीं ये संविधान की गड़बड़ है या किसकी गड़बड़ है, हर जगह अभी आप देखिए फ्री में राशन का जब कोटे में लाइन लगता है तो कहां, मतलब सड़कों पे प्रदर्शन होते हैं, हम इस जात के हैं तो हमें ये चाहिए, हम इस जात के हैं तो हमें ये चाहिए, हम माइनॉरिटी हैं तो हमें ये चाहिए। ये कौन सी सरकार ने इन सब चीजों का क्राइटेरिया बनाया था? हाई स्कूल की मार्कशीट में सबसे पहले लिखा जाएगा बच्चे का जन्म होगा तभी सरकार ने क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि उसका डिटेल लिखा जाता है, जाति धर्म ये वो। और तो फिर जाति धर्म और इन सब चीजों को आप डे टू डे लाइफ से कैसे निकाल देंगे, चाहे चुनाव हो चाहे जो हो। रही बात विकास की, अच्छा, तो विकास के लिए कभी चलिए ना, हम चलते हैं नोएडा से इलाहाबाद वगैरह, इन लोगों को, ये जिस 14 लेन के हाईवे पे बैठे थे ना, अगर वही हाईवे पहले वाला रहा होता ना तो खड़े होने की जगह नहीं मिलती किसानों को। सवित मलिक, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, और महल जैसे टेंट लगाए तो इसलिए लगाए क्योंकि 16 लेन की हाईवे बनी थी, और ये शर्मनाक चीज है, हाईवे बनी थी देश के प्रगति के लिए, इन्होंने उसी पे कब्जा करके, जिन्नावादी सोच, उसी पे कब्जा करके पूरा आवागमन ठप। ओके, एके मिश्रा एक सेकंड, एके मिश्रा ऑडियो आ रहा है मेरा आपको? किसान
किसान भाइयों की जो बात है, मैं बोलता हूं जो ये 1 साल आंदोलन चला, एसी एयर कंडीशन टेंट थे, आज तक मैं तो बढ़िया कमाने वाला आदमी लेकिन एसी नहीं लगवा पाया हूं। एयर कंडीशन टेंट थे, 5 स्टार क्या विस्की वगैरह पता नहीं क्या क्या थे। तो मैं समझता हूँ ये छोटी मोटी चीज भुगतान करके क्यों भारत सरकार के पीछे आप पड़े हो? आपको पैसों की कमी है क्या? सड़कों पे जो 10,000 ऐसी टेंट लगवा सकता है, नहीं अरे नहीं ग्रेटा थनबर्ग मैं आपके साथ इतनी ओके बड़ी रिच आदमी, मियां खलीफा जैसा एक एक्टर सेकंड आपके रुकिए, एक साथ सेकंड, है, एक सेकंड, और आप जस्टिन ट्रूडो एक सेकंड, कनाडा मैं की एक सेकंड सरकार मेरे को आपके क्या साथ क्या है, एक जरूरत सेकंड। ही नहीं है सर। तिलक कहां जी, भुगतान एक मिश्रा जी, के पीछे भाग रहे हैं? तिलक चावला आपको जी, पैसों की जरूरत है तिलक मुझे चावला बताइए, जी, आपको पैसों की जरूरत है? उनको पूछो, अरे अमित मिश्रा शाह ने जी, लोकसभा में अपने राज्य उसमें मिश्रा जी, ये लिखा है कि मैं खेती करता हूँ। राजनाथ सिंह ने खेती, क्या वो भी एक किसान सेकेंड, नहीं है क्या? एक सेकेंड, वो कैसे सिर्फ किसान सिर्फ है? अमित संदीप शाह जी द्विवेदी, के लड़के संदीप की द्विवेदी, संदीप द्विवेदी ओनली।